हेलो जी, सत श्री अकाल जी। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ गुड़ और इमली की मीठी चटनी। तो ये सबसे ज़्यादा डीएम में आई है कि जल्दी शेयर करें, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आओ चले देखें। मैंने यहाँ पे इमली को भिगो के रख लिया था कम से कम एक घंटा। मेरे पास अभी जो इमली है वो सीड वाली है, बिना सीड वाली मेरे पास नहीं थी, तो मैंने सीड वाली ही भिगो के रख ली है। इसको मैंने गर्म पानी में एक घंटा, मीन्स मैंने यहाँ पे कम से कम 125 ग्राम इमली ली है, तो इसमें मैंने 2.5 से 3 कप पानी डाल के इसको भिगो के रख लिया, जिससे ये सारा पल्प और ये थिक हो गई है। जो कि मेरे पास जो इमली थी वो मैंने आपको बताया था ना, बीज वाली थी, तो इसलिए मैं इसको बॉयल नहीं कर पा रही थी। तो मैंने ऐसे छान के जो है पल्प निकाल लिया, और इसको भी अच्छी तरह आप छन्नी से छान के इसका सारा पल्प छान लीजिए, ताकि जितने भी एक्स्ट्रा इमली की ये जो क्या कहते हैं गुच्छे से और जो सीड हैं वो सारे निकल जाएं। अच्छा जी, एक बात और, अगर आपके पास सीडलेस वाली इमली है तो आपको इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं। आप इमली को भिगो के रख लीजिए और उसको सीधा कढ़ाई में डाल दीजिए, कम से कम 3 गिलास पानी डाल के, और उसको थोड़ा बॉयल होने, जो प्रोसेस मैं अब आपको आगे दिखाने लगी हूँ आप वो सीडलेस इमली के साथ डायरेक्ट वैसे कर सकते हैं। इमली का सारा पल्प निकालने के बाद मैंने यहाँ पे 7 से 8 खजूरें भी भिगो के रखी थी, इसके भी सीड्स निकाल लिए हैं, और इसको भी मैं इस पल्प के साथ डाल दूँगी, और इसको एक बार मिक्सी में अच्छी तरह मैं ग्राइंड कर दूँगी, और इसको वापस से एक बार छान लेंगे ताकि खजूर के जो भी छिलके हैं वो सब ना आए। अच्छा जी, एक बात और, अगर आपके पास क्या कहते हैं खजूर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खाली इमली को भी एक बार ग्राइंड कर लीजिए। अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा तेल, अब मैं उसमें डालूंगी थोड़ा सा जीरा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जीरा जो है हमारा थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया है, और अब मैं उसमें डालने लगी हूँ 1/4 स्पून हींग की, और इसको भी अच्छी तरह हम पका लेंगे, और जब हमारी थोड़ी सी हींग पक जाए, मैंने अभी फ्लेम थोड़ा हाई कर दिया है, इसमें जो हमने पल्प इकट्ठा किया था और जो मिक्सी में अच्छी तरह पीस लिया था उसको हम इसमें डाल देंगे। अब हम इस इमली के पल्प को कम से कम 3 से 4 मिनट बॉईल कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें इमली के जो पानी को 2 से 3 उबाले आ गए। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ गुड़। गुड़ भी मैंने थोड़ा छोटा छोटा कर लिया था ताकि ये अच्छी तरह पिघल जाए। गैस को हम मीडियम फ्लेम पे कर देंगे ताकि ये आराम से जो हमारा गुड़ है वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। जैसे ही आप देख सकते हैं जो हमारा गुड़ है वो मेल्ट हो गया है, और जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाएगा अब मैं इसमें डालूँगी मसाले, जिसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, और साथ में डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक। नमक थोड़ा देख के ध्यान से, क्योंकि हमने काला नमक भी डाला है, कलर के लिए हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, इससे टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और साथ में हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा सौंफ का पाउडर, और साथ में मैं इस पर डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हमारा ड्राई जिंजर सौंठ। इन सबको हम इकट्ठा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये सारे मसाले मिक्स करने के बाद इसे हम एक उबाला दिलवा देंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे 2 से 3 उबाले आ गए। 2 से 3 उबाले आने के बाद मैं इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच चीनी के भी। चीनी डालने से थोड़ा बैलेंस हो जाता है और ये चटनी काफ़ी देर तक चलती भी है। थोड़ी सी खटास भी होती है गुड़ में, तो वो जो चीनी डालने से क्या कि परफेक्ट मीठा हो जाता है इमली का और मिठास का, इसलिए इसको डाल के इसको भी 1 से 2 बारे दिलवा लेंगे, और जितनी आपको थिक चाहिए आप उतना बॉईल कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जैसे ही ठंडी होएगी ये पड़े पड़े भी गाढ़ी हो जाएगी। अच्छा, एक बात और है कि लोग इस चटनी में खरबूजे के जो बीज हैं वो भी डालते हैं, केला भी काट के डालते हैं। केला अगर आप डाल देंगे ना तो ये ज़्यादा देर तक कई बार नहीं चल पाती है चटनी, इसलिए मैं इसमें केला नहीं डालूंगी, और खरबूजे के बीज मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं इसको ऐसे ही प्लेन ही रहने दूंगी। तो अब मैं इसको जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये बहुत गाढ़ी हो जाती है। अब मैं गैस कर रही हूँ बंद, और जैसे ही ये चटनी ठंडी हो जाए इसे आप किसी भी ग्लास के कंटेनर में डाल लीजिए और स्टोर करके रख लीजिए। आराम से 1.5 से 2 महीने आपकी ये चटनी चल जाएगी। मीन्स कंटेनर में, ग्लास के कंटेनर में डाल के आपको इसको फ्रिज में रखना है।